हाँ तो भाई देख लो, यहाँ बन रहे हैं परांठे। ठीक है, क्या आपके भी पापा आपको खिलाते हैं बना के परांठे? और मुझे बताना, बिल्कुल भी ना भूलें। ठीक है ना, अब देख सकते हो आप, पापा आज बना रहे हैं परांठे, पापा मेकिंग परांठे। और ट्रायंगल परांठे हैं ये, देख सकते हो आप, ट्रायंगल में बना रहे हैं ये। अरे खा भी ऐसे सकते हो आप। खा भी सकते हो आप, कोई बात नहीं, अगर आप आओगे तो आपको भी मिल सकते हैं। ठीक है ना, देख लो। क्या करें भैया, बनाना पड़ रहा है, और क्या करें। और भाई बहुत स्वाद आता है खा के। ठीक है ना भाई, मेरे पापा मजबूरी देते है हैं, मेरी, और क्या करूं मैं। पापा देते हैं मेरे को खाना बना के। भाई देखो, बना मैं भी सकता हूँ, लेकिन आपको पता ही है कि मैं वैसे ही काम में लगा रहता हूँ, और फिर मेरे को रात में भी काम करना पड़ता है, इस वजह से मैं नहीं बना पाता। बाकी बना सकता हूँ मैं भी, ठीक है, आगे दिखा भी देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। देख सकते हैं यार, अंधेरा हो रहा है, रात के बज रहे हैं 8:40। ठीक है, क्या अरे मम्मी लौट रही है यहाँ पे, देख नहीं रही होगी आपको, अंधेरे में देख लो कैसे लौट रही है। और मम्मी क्या कर रही है? करे, तबीयत सही ना रहती है। भाई देखो यार, तबीयत सही नहीं रहती यार, यूँ दिमाग खराब परेशान ज़्यादा रह बता है। ठीक है ना, देख परेशान, सकते हो मम्मी पैसे लेट नहीं रही इलाज है। कराने को भी, और भाई मेरे सही हो जावे अब कह बस दी। यार, काम वाम सा मिलता रहे ना तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, मम्मी मम्मी का भी इलाज करवा लेंगे यार, अपनी का। ठीक है, 6-7 महीने हो गए हैं बेचारी ऐसे ही, अब हम ही क्या करें यार, पैसे भी ज़्यादा लग रहे हैं और काम है नहीं। बट अब थोड़ा सा काम मिलना स्टार्ट हुआ है आपकी दुआ से, ऐसे ही मिलता रहे तो हम यार कुछ करेंगे आगे, आपको दिखा देंगे मैं। ठीक है ना, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। देख सकते हैं वहाँ पे पापा बैठे हुए हैं, पापा मेकिंग परांठा, बीमार ट्रायंगल होकर ठीक हो परांठा। जा गई, इतने बिगाड़ी अच्छी थी मैम। भाई अब क्या कर सकते हैं, हमारे यहाँ यार एक डॉक्टर था, उस डॉक्टर के पास इलाज कराने के लिए ले गए थे, और उसने ग्लूकोस वगैरह जो चढ़ाई थी ना, उसके बाद ही जो है ये इतना दिक्कत हुई मम्मी को कि भाई बॉडी फूलनी स्टार्ट हो गई, हाथ पैर फूलने सूजने स्टार्ट हो गए, और जब से ये है ना परेशानी हो रही है। बताओ यार, जब यार बंदों को यार आता नहीं है कुछ करना, तो वो ऐसा काम क्यों करते हैं? ठीक है, सब सब पैसे लूटने के लिए हैं, कोई बेचारे को जो भी है ना देखता है ना गरीब आदमी को, तो गरीब आदमी को है ना सब खाने के लिए ही होते हैं। ठीक है, चाहे कोई भी इंसान हो, जहाँ भी आप उनको पता चला ना आपके बारे में कि हाँ भाई आप लाचार इंसान हो, कुछ कर नहीं सकते, तो वहीं पर है ना वो आप पर हावी हो जाएंगे। ठीक है ना, तो वहाँ पर भाई आपको है ना बहुत ही समझदारी से काम लेना है, और कभी भी अपने आप को गरीब ना समझे तो। ठीक है ना, गरीब नहीं हो आपको, अगर भगवान ने हाथ पैर दिए है ना तो आप गरीब नहीं हो बिल्कुल भी। ठीक है, मेहनत करो जितनी आप कर सकते हो, ठीक है ना, और फल तो मिल ही जाएगा अगर आप मेहनत करोगे तो। ठीक है ना, और यार अगर इस जन्म में भी ना मिला तो कम से कम अगले जन्म में तो मिल ही जाएगा ना, यही सोच लो। लेकिन करो तो यार ईमानदारी का काम, बेईमानी का तो कुछ करो मत ना। ठीक है ना, झोला ठाप डॉक्टर हो रहे हैं, उन्हें कुछ पता चता है तो नहीं है। ठीक है, और खा मखा की अपने आप को डॉक्टर बोलते हैं फिर। ठीक है, और भाई बहुत ज़्यादा गुस्सा आया मुझे भी इस बात पर लेकिन मैं क्या करूं, मैं चलो कोई बात नहीं, लड़ाई झगड़े में कुछ नहीं रखा है। तो भाई ठीक है ना, आप भी अगर समझदारी से काम ले, कभी भी है ना झोला छाप डॉक्टर के पास में इलाज ना करवाएं। ठीक है, झोला छाप डॉक्टर झोला छाप ही डॉक्टर रहेंगे, उन्हें कोई अनुभव नहीं है, ये सब चीज़ आपको समझ जानी चाहिए इस चीज़ के बारे में। ठीक है ना, क्योंकि वो कोई और नहीं होते, वही आपके यही जान पहचान के लोग ही ऐसे होते हैं जो अपना ये काम कर बैठते हैं। तो भाई अवेयर रहें इस चीज़ से, दवाई वगैरह भी अगर कहीं से लें तो दवाई वगैरह की भी डेट वगैरह चेक कर लिया करो, कोई एक्सपायर तो नहीं है, ठीक है ना, या सैंपल तो नहीं है। ठीक, तो यार देख लिया करो। ठीक है ना, तो यार देखो पापा बना रहे परांठे,
और अब हम इसको खाएंगे भाई, परांठे बनाए हैं और ये भाई इसमें दाल बनाई है। दाई बेचारी दाल अच्छी बनी है, ऐसी बात नहीं है, कोई भी सब्जी हो दाल अच्छी बनती है, ठीक है ना। बहुत दिनों के बाद बनाए हैं, पिछली बार मैंने बनाए थे तो अब की बार पापा बना रहे हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है यार। ऐसे यार देखो यार, तुमने यार ऐसा मत करो, मेरे चैनल की जो है रीच बहुत डाउन जा रही है, ठीक है। और मेरे को यार कमी बताओ आप कि मेरी चैनल पे कमी क्या है, ठीक है। मैं उस कमी को सुधारने की बहुत ज़्यादा कोशिश करूँगा जितनी आप कहोगे, ठीक है ना। जहाँ तक होगी मेरे से वहाँ तक तो मैं करूँगा, बाकी आप यार सपोर्ट बनाए रखें, ठीक है ना, ऐसा ना करें, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर मेहनत चल रही है खूब दबा कर, और उसी चीज़ के लिए पापा के परांठे। हाँ भाई देखो यार, मैं दिखाने को आपको सब चीज़ दिखा सकता हूँ, ऐसी कोई बात नहीं है, ठीक है ना। पर लेकिन पता क्या है, बात यो है कि यार मेरे पास पैसे नहीं है, और ऊपर से यार मेरी बाइक भी नहीं है मेरे पास, मैं के कहीं मैं आऊँ जाऊँ, ठीक है। तो यार बाइक वाइक भी ले आते हैं पहले, और फिर भाई आपको जो है ब्लॉग दिखाएंगे हम। इतने यार आप कम से कम अपने भाई का सपोर्ट बनाएं, अब तो आप सपोर्ट बनाएंगे तो जब भी तो जाके मेरा मनोबल बढ़ेगा, नहीं तो यार फिर मैं डिमोटिवेट रहता हूँ। बताओ मेरे सब्सक्राइबर डाउन होते हैं, मैं रोज़ सुबह देखता हूँ एक दो सब्सक्राइबर डाउन हो जाते हैं, तो यार अच्छा नहीं लगता, बुरा लगता है दिल से, ठीक है ना। तो समझो यार इस बात को। हाँ, और यार जब मैं आया ही हूँ यार यूट्यूब पे, तो यार मैं आप ही के सहारे आया हूँ, ठीक है ना। और यूट्यूब ही सारा समझ रहा हूँ यार मैं तो अभी, इसलिए यार इतनी वो चल रही है, कोई मैं कोई एक्टिंग वगैरह तो करके दिखा नहीं रहे हम आपको, ठीक है। जो रियलिटी है यार लाइफ की वो दिखा दी मैंने आपको, ठीक है भाई। मैं रेंट पे मैं रहता हूँ, ठीक है भाई। जो भी था वो भाई आपको मेरे पिछले व्लॉग में सुनने को मिल जाएगा कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ, सब डाल रखा है मैंने, ठीक है ना। तो यार सपोर्ट बनाएं आप, ऐसे ही सपोर्ट बनाएंगे तो यार किसी को यार आगे जाने का मौका भी मिलना चाहिए ना, ठीक है। तो यार कम से कम देखो यार, अगर आपको थोड़ा बहुत रहम आए तो यार देखो कितनी मेहनत होती है यार। और यहाँ देखो यार, ठीक है, और ये देखो यार क्या है यार, ज़िंदगी बिल्कुल मतलब जन्नुमी है यार, जन्नुमी मानो यार, ऐसी ज़िंदगी जीने का क्या फ़ायदा। फिर भी यार खुश है, हम खुश हैं क्योंकि यार हम ईमानदारी का कमा रहे हैं और ईमानदारी का खा रहे हैं, किसी के साथ हम बेईमानी नहीं कर रहे, हमारा ही यार चला जाता है, लेकिन हम जब भी किसी को कुछ नहीं कहते, ठीक है। फिर भी यार हम कोई दिक्कत नहीं है यार, पर लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, अब हमारी YouTube फैमिली है, वो हमारी फैमिली है, ठीक है। हम उनके साथ हमेशा जुड़े रहेंगे, जब तक हम जिंदा हैं जब तक हम उनसे जुड़े रहेंगे, ठीक है ना भाई। कहते हैं ना कि कभी कभार है ना, जहाँ अपने साथ छोड़ देते हैं वहाँ पे है ना दूसरे साथ में आते हैं, ठीक है, क्योंकि दूसरे भावनाओं को और फीलिंग को समझते हैं, ठीक है ना। तो भाई ऐसा ही YouTube के साथ में, YouTube भी बहुत बढ़िया प्लेटफॉर्म है, आप सभी को इस्तेमाल करना चाहिए। मैं तो ये कहता हूँ 2025 आने वाली है भाई, ठीक है, ये तो 2021 जा रही है, अब 2022 आ जाएगी, 2022 में भी बहुत सारी चीज़ बदलने वाली है, ठीक है। आपने प्रोजेक्ट तो देख लिए होंगे इंडिया के कितने कितने। तो भाई फटाफट से सब्सक्राइब करके घंटे वाले बटन को दबा दे, क्योंकि नोटिफिकेशन मिलती है आपको वीडियो की सबसे पहले। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय 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 बाय।